चलो ब्रेकअप करते हैं। प्लीज ऐसा मत करो। दो लोग फैसला लेकर साथ आते हैं, ब्रेकअप के लिए भी वैसा ही होना चाहिए। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, वो भी दूसरे लोगों की वजह से। वो दूसरे लोग नहीं है, वो मेरे डैड और तुम्हारे दादाजी हैं। मैंने सब अपनी किस्मत पर छोड़ दिया, पर जब मैं तुम्हें देखती हूँ तब मुझे ली ग्रुप याद आता है। मैं अपने डैड की मौत नहीं भूल सकती। उनका जला हुआ शरीर मेरी आंखों के सामने था, मैं इसे कभी उभर नहीं पाऊंगी। सुही, एक बात बताओ, मुझसे अलग होकर तुम खुश रहोगी? फीजी रॉक फेस्टिवल के दो टिकट्स? मैं नहीं जाना चाहूं तो चलेगा क्या? तुम हमारे साथ फीजी रॉक फेस्टिवल क्यों नहीं आना चाहते हो बताओ? वो बहुत फेमस है, बहुत मजा आएगा, चलो ना, एंजॉय करेंगे। मुझे नहीं जाना, अगली बार। हाँ ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो किसी और के साथ चले जाऊंगी। मैं आ गया। सुई, सुई, मैं आ गया। मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगी, हमेशा उसके साथ रहना। तुम यहां क्या कर रहे हो? लकी हो तुम्हारे पास मैं हूं। तुम्हारे साथ उसने जो भी किया मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मेरे लिए गिव अप करना आसान नहीं था, उसे इससे खुशी मिलती है क्या?
मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ गलत होते नहीं देख सकती हूँ। तुमने हमेशा उसी के लिए सोचा है, उसके लिए रास्ते बनाए हैं, उसने ऐसा क्यों किया? वो जो भी करती है अच्छे से सोच समझ के ही करती है, उस पर मुझे शक नहीं। मुझे तुम पर इतना तरस क्यों आता है? पहले तुम्हें लगा तुम्हारा प्यार मर गया है, तुमने पागलों की तरह इंतजार किया, अब जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। छोड़ो, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, मैं कमेंट भी नहीं कर सकती हूँ। जब किसी का दिल टूटता है तो वो एक दिन के लिए खो सा जाता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चलो उठो, चलो उठो, कंपनी जाना है, चलो। कल? आज नहीं, कल जाऊंगा। तुमने तय कर लिया है क्या? तुमने पैकिंग कर ली? ये दो दिन मेरा क्या होगा पता नहीं, अपनी दीदी के साथ रहना ठीक है? हम ब्रेकअप नहीं करेंगे ठीक है, हम लोग कुछ टाइम में शादी कर लेंगे। इतने छोटे हो, ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? जब झेंग ही और शिया ये यंग एंगेज हुए थे तब तुमने नहीं कहा था कि मैं उतना भी छोटा नहीं हूँ। और मैंने तुम्हें ट्रिक करने के लिए भी नहीं कहा था। क्या रिलेशनशिप को हेल्दी रखना अच्छी बात नहीं है? इसे सिंपल रखते है ना। मैं सिंपल हूँ इसीलिए तुम मुझे पसंद करती हो, और कोई खास बात भी नहीं है। क्योंकि तुम मेरी इन आँखों को ठंडक देते हो। लो मनी, तुम मुझे एक इंसान की तरह देखती हो या सिर्फ एक चीज की तरह? नहीं, एक आदमी और एक चीज में अंतर ही क्या होता है? मैं अपने हैंडबैग का भी अच्छे से ख्याल रखती हूँ। तुम नाराज क्यों हो रहे हो मुझसे? सुनो तो, तुम सिंपल हो इस वजह से नहीं, लोग चीजें छोड़ देते हैं पर चीजें उन्हें नहीं छोड़ती, और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड सिर्फ एक कंट्रोल करने की चीज है ना? तुम मुझे बस बहलाने की कोशिश कर रही हो। किसने कहा मैं तुम्हें बहला रही हूँ? तुमने मुझे अब तक गुड बाय किस भी नहीं दी। मैं कोई किस नहीं करूँगा। ठीक है, छोड़ो। वैसे क्या तुम तुम्हारे हस्बैंड के साथ बेहतर ट्रीट कर सकती हो? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा श्यांग चाय एक लिमिटेड एडिशन है। दीदी, आपने पी है? थोड़ी सी। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? आपको भूख लगी है? मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं? हाँ, मैं शांताई के हाथ का खाना खाना चाहती हूँ। मैंने पहले ही बना कर रखा है, देखो। शांताय, तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। खाओ दीदी।
मैं छोटी छोटी चीजों पे भी रो देता हूँ क्योंकि मैं उन्हें किसी से बांट नहीं पाता। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब प्यार का अंत होता है। जो कर रही हूं वो सही है? सुई, फिर से तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। मेरे बेटे, इतने लंबे समय में लोग मुझे चाहे कैसे भी देखते हो लेकिन मैं खुद को बहुत पछतावे में पाता हूं। मुझसे हुई गलती हमेशा मेरे साथ रहेगी, मैं उसे खुद से अलग नहीं कर सकता। तुम मेरा गर्व हो। अपने अतीत के अंधेरों में मुझे सिर्फ तुम्हारा सहारा रहा है। एक दिन जब मैं चला जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि तुम दुखी ना रहो, तब मुझे शांति मिलेगी। तुम मेरा गर्व हो। तुम्हें एक अच्छी और पूरी जिंदगी जीनी है। मैं हमेशा कहूंगा कि तुम मेरे गर्व हो। मुझसे वादा करोगे तुम एक बेहतर जिंदगी जियोगे। Come in. सियोली, मैनेजर ने बताया आप मुझसे बात करना चाहते हैं। माफ कीजिए, शायद मुझसे गलती हो। कोई बात नहीं, आओ बैठो। बताइए। इतनी फॉर्मेलिटी से बात क्यों कर रही हो? मुझे आदत नहीं है। कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी। सियोली, आप पूछेंगे नहीं फॉर्मूला प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम कहां तक पहुंचे? हमने कई ब्यूटी ब्लॉगर्स को रिपोर्ट किया है दूसरों को वार्निंग देने के लिए। हमने कई साइंटिफिक रिसर्च की अथॉरिटीज भी हायर की है, वो लीग ग्रुप के बारे में पब्लिकली बात करेंगे। और सेल्स काम के अलावा तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? सियोली, अगर कोई और बात नहीं करनी है तो मैं दो दिन के लिए छुट्टी ले लो। मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो। अगर किसी को आराम की जरूरत है तो वो आप हैं। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है क्या? बिल्कुल। क्या एम्प्लॉय को अपने बॉस की फिक्र नहीं होती? ली ग्रुप को आपकी जरूरत है। सियोली, मीटिंग का टाइम हो गया। हाँ,
सुई बहुत जिद्दी लड़की है। अगर ये लीजा शांग और सुई के बारे में नहीं होता तो मैं समझाने की कोशिश भी नहीं करती। दोनों ही गलत नहीं है, दोनों को प्रॉब्लम्स भी नहीं है, यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते, हमें इसका सामना करना होगा साथ में मिलकर, क्योंकि हम बकवास बंद करो। अच्छा होगा कि हम लोग एक प्लान बनाएं। मुझे अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। फैसला लेना तुम्हारी बहन के हाथ में है। सही कहा, सुई को समझना बेकार है, पर हम एक इंसान ढूंढ सकते हैं जो दोनों को जानता हो, और कोई बड़ा इंसान जिसे वो दोनों भी जानते हो। चेयरमैन ली, अंकल जांग। ओह, मैं खा चुका हूँ, जल्दी चख के बताओ। थैंक यू अंकल जांग। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैंने इसे बनने के लिए रख दिया था। ये वर्मी सेल नूडल्स मैं एक पुरानी दुकान से लेकर आया हूँ। लेकर तो आ गया पर मैं पूरा खा नहीं सकता, कोई साथ खाने वाला हो तो अच्छा रहता है। और फिर भी अंकल जांग, इतने साल हो गए, आपने कभी शादी क्यों नहीं की? प्लीज मुझे बताइए ना। क्योंकि मेरे पास कुछ है जिस पर अपनी पूरी जिंदगी लगाना चाहता हूँ। तो पेट क्लिनिक में वाकई आपका इंटरेस्ट है? ज्यादा बात मत करो, जल्दी खा लो, अभी ये गरम है। यही मेरी कला है, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सूप ट्राई करो, जिया शांग को बहुत पसंद है ये। अंकल जांग, अच्छा होगा अगर आगे से इसका जिक्र ना करें हम। अगर जिक्र ना करो तो तुम उसे भूल जाओगी है? मैं जानता हूँ बच्चे, तुम ये सब अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो और उसके लिए भी, पर तुम जानती हो तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, जिया शांग क्या चाहता है। तुम्हें उनके लिए चुनने की जरूरत नहीं है बेटी, और खुद तुम भी अगर उसके साथ बुरा लग रहा है तो अलग होकर क्या और बुरा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा बना है, आराम से खाती जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? तो फाइनली तुम आ गई है? देखो कितनी बॉटल्स मैंने खाली कर दी तुम्हारे इंतजार में, गिन लो। माफ करना, मैं भूल गई थी। भूल गई थी? मुझे यहाँ बुला करके तुम आना ही भूल गई? तुमने ब्रेकअप कर लिया है क्या? ये सुनो भाई, मुंह जल्दी से इस जगह से निकल जाओ, कोई मेरे पीछे है, अगर मुझे कुछ होता है तो ये समझ लेना कि। बिल्कुल भी नहीं, मैं केस हैंडल करने वाले पुलिस से मिला था, उसकी रिपोर्ट में मू फेंग का फोन उसके पास ही मिला था, ली मू रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिला था। तो क्या तुम्हें फोन में कुछ मिला? वो टूट चुका था, उसे खोलना इम्पॉसिबल है। तो फिर दो बातें हो सकती हैं। पहली, मेरे डैड के पास एक्सीडेंट के वक्त फोन ही नहीं था, मतलब गाँव मुँह ने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी वो फेक थी, लेकिन अंकल जेंग ने कहा कि रिकॉर्डिंग में आवाज तो मेरी डैड की ही थी, और बाद में कार क्रश की आवाज भी थी। या फिर रिकॉर्डिंग सही नहीं है, इसका मतलब किसी ने मेरे डैड का फोन एक्सीडेंट की जगह से उठा लिया था। दूसरी पब्लिसिटी के हिसाब से फोन कौन ले सकता है आखिर? मैं कल जूमो से पूछती हूँ।
आइए इधर आइए। सुई हमने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। थैंक यू। देखिए सुई, सब आपको देखकर कितने खुश हैं आज। ये वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ मैनेजर चू से मिलने आया। मैं डिंग हैंग हूँ। आई एम चेंजिंग। और मैं सुई हूँ। मैनेजर चू मीटिंग में है, अभी खत्म होने ही वाली होगी, मैं देखकर आती हूँ। हेलो। ये कौन है? क्यों? बस ऐसे ही। बहुत दिनों के बाद। मैनेजर चू, इन्हें मैंने पहले कहीं देखा है। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं कभी फेम शो में काम करता था। ये जरूरी नहीं है। बैठ जाओ। जी। मैनेजर चू, मुझे लगता है कि किसी ने मेरे डैड का फोन एक्सीडेंट की जगह से उठा लिया था। कोई बात नहीं, मेरे साथ है। मैं वाकई में फोन के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं की एविडेंस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो आपको एक्सीडेंट की जगह पर ऐसा कुछ दिखाई दिया जो अजीब हो? मैंने इन्वेस्टिगेशन जारी नहीं रखी थी क्योंकि उस जगह पर दूसरी गाड़ी का मलबा भी था। बाद में पता चला था कि उस कार के ओनर चेयरमैन ली हैं। तो सच में मेरे डैड की गाड़ी के पीछे कोई तो था। किसी ने तो उनका फोन उठाया है, ये मुझे पूरा विश्वास है। डेफिनेटली वो एविडेंस मिटाना चाहता था। अच्छा हाँ, मुझे कुछ काम है अभी 5 बजे, मैं अभी निकलता हूँ। मैं अभी कंपनी में जा रही हूँ। मैं भी। तो तुम अभी ड्राइव क्यों नहीं कर रहे हो? आज मेरा एक्सरसाइज करने का मन है और मुझे नए प्रोडक्ट के लिए मीटिंग भी करनी है, उस बारे में कुछ कहना था। ओह। हमारा एडवर्टाइजमेंट आइलैंड पे शूट होना चाहिए। फीमेल लीड होगी ली जियाटियान और मेल लीड सू शियांग ताई। इसके अलावा एक और बात कहना चाहता हूँ, सू यी अपनी वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन से रिटायर हो रहे हैं। फिलहाल वो इस एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्टिंग मैनेजर का काम करेंगी। आज रात उन्हें पूरे फिल्मिंग क्रू के साथ निकलना होगा। सब बात समझ गए हैं तो मीटिंग यहीं खत्म होती है। चलो चलते हैं। ये क्या कर रहे हो? हाँ, अजीब बात है ना। माफ कीजिए सियोली, लेकिन मैं अभी बाहर नहीं आ सकती, मुझे काम है। फैसला हो चुका है तो मैं नौकरी छोड़ती हूँ। तुम्हें 30 दिन पहले नोटिफाई करना चाहिए था। तुमने इसे इतनी भागदौड़ वाला काम क्यों दिया? दादाजी की वजह से। दादाजी कुछ तो जानते हैं, बस वही पता लगाना चाहता हूँ मैं। और उसके साथ साथ सुई महफूज भी रहनी चाहिए। तुम उसके साथ रहोगी तो मुझे फिक्र नहीं होगी। तुम सोई नहीं? अच्छा सुनो, मेरे फेवरेट ऑथर का न्यू बुक लॉन्च है। अगर सुई यहाँ होती तो तुम्हें ये मौका नहीं मिलता। बुक किस बारे में है? एक माँ और उसके बेटे के बारे में है, काफी इमोशनल कहानी है। अच्छा है, मैं भी अपनी माँ को याद करता हूँ। तुम्हारी मॉम ने भी बुक लिखी है ना, तुम्हारे लिए वो छोड़कर गई थी।
मेरी माँ ने बुक लिखी थी, तुम्हें कैसे पता? मैंने बुक स्टोर में देखा था। उसे पब्लिश करने से पहले ही वो मर गई। उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स मेरे डैड की सेफ में रखी हुई थी। बताओ तुम्हें कैसे पता? जेंगी, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे सच बताओ। सुई और गाउमू की मीटिंग एक गलत फहमी थी। आप उसके पीछे लोग ना भेजें तो अच्छा होगा। हम पहले ही उसके साथ बहुत गलत कर चुके हैं। हेलो, अब मैं क्या करूं? सेंगी को पता चल गया है कि सुई को सेंगी पर शक था। अब हम क्या करेंगे? हेलो, रुको, कहाँ जा रहे हो? हाँ, लोकेशन के लिए मेरी भी टिकट बुक करो।时间把岁月追赶一